हम लोग अभी मौजूद है वैरायटी स्क्वायर पे, महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने। यहाँ पर लोग कुछ अपनी मांग लेकर आए हुए हैं, यहाँ पर वो अपना विरोध प्रदर्शन करने को आए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्या इनके मन में है, किस वजह से और किस किस चीज़ों का ये विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है और उसमें वो जो सेवी की जो चेयरमैन है तो उसके ऊपर करोड़ों का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, आर्थिक घोटाले का, भ्रष्टाचार का नहीं, आर्थिक घोटाले का उस पर आरोप है। और उसमें जो बड़े बड़े उद्योगपति है और सरकार के मंत्री है वो सब उसमें आने वाले हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में प्रोविज़न दिए हैं कि ये जो सरकार के जो आर्थिक घोटाले होते हैं तो उसकी जो जांच होती है तो पीएसी करती है और उसमें कोई बच नहीं सकता। उसमें राहुल गांधी पीएसी में अध्यक्ष रहेंगे और उनको ये बात मालूम है कि राहुल गांधी किसी भी इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी पे ये जबान काट दो, उन पे आतंकवादी है, उनको मार डालो, ये जो भाषा बोल रहे हैं वो सिर्फ ये डरे हुए लोग हैं, इनको अपना पाप छुपाने का है। और जो घोटाला हुआ है, भूसी ने जो घोटाला कर दिया चेयरमैन ने उसको, और उनके जो साथ के जो लोग हैं उद्योगपति और सरकार के जो मंत्री है उनको बचाने के लिए ये राहुल गांधी पे कुछ तो भी, उनको बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने संविधान के खिलाफ बोले, ऐसा बोले, सिखों सिख समाज के बारे में बोले, संविधान के खिलाफ में तो आप गलत काम कर रहे हैं। पीएसी का जो अधिकार है वो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए, क्यों आप उनको ये नहीं कर रहे। जेपीसी की जब मांग करते तो जेपीसी की जांच नहीं करते, इन लोग जांच से क्यों घबराते, क्यों कारण क्या, पीएसी की जांच से क्यों घबरा रहे, पीएसी की जांच को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ईडी वाले किसी राजनीति के घर पर जा रहे क्या, आम आदमी के भी घर पर जा रहे। 1.5 करोड़ रुपये की उसके पास में गाड़ी कहाँ से आई, क्या करता है उसके पास गाड़ी कहाँ से आई। 4-5 लोगों को उन्होंने मार दिए, उसके बाद में पुलिस ने वो खाला पूर्ति करके वो निकल गए वहाँ से, सब के सब बाहर हो गए। तो 1.5 करोड़ की जो गाड़ी है हमारा उसका आरोप है कि 1.5 करोड़ की गाड़ी उसके पास कहाँ से आई, और 100 के ऊपर में वो स्पीड में वो गाड़ी चलती, किसी की जान जाती, साकत 52 कोड़े भर के देता था। वो मालू ने, एक महिला ने 2 मुस्लिम लड़कों को मार डाली राम झूले पे, क्या हुआ उसका, कुछ नहीं। उसके वीआईपी जैसे थाने में उसको ट्रीटमेंट दे रहे थे, साकेत 52 कोड़े कोई वीआईपी है, आम आदमी है वो भी, उसके पास पैसा कहाँ से आया, उसकी जांच करने को ना सरकार ने। ये लोगों के घरों पे तो ईडी भेजते, किसी ने सरकार के खिलाफ भेजा तो उसके घर पे ईडी भेजते। साकेत 52 कोड़े के पास में 1.5 करोड़ रुपये की गाड़ी है तो उसके घर में क्यों नहीं ईडी जा रही, कौन है वो। जैसे रामगिरी महाराज जी ने एक वक्तव्य जो दिया, जो एक स्टेटमेंट दिया है, आपको लगता है इससे थोड़ा बहुत उनको बचना चाहिए था। ये तथाकथित महाराज लोग हैं, महाराज लाखों साल पहले रावण ने इसी भेष में सीता का हरण किया था, ये कोई सर्टिफाइड है क्या, कौन सा इंटरव्यू देते हैं ये लोग, कौन सी परीक्षा पास करते। ओरिजिनल जो जगत गुरु थे वो कृपालु जी महाराज थे, पंचम जगत गुरु। उसके पहले जो 4 जगत गुरु थे, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, अभी कोई जगत गुरु नहीं है, जगत गुरु लगाते, कोई परमंश नहीं है, परमंश लगाते भगवान पहले थे दाढ़ी। इनके आश्रम चलो मैं दिखाता हूँ आपको, 1 करोड़ रुपए का आश्रम इन लोगों के, एसी के 1500 रुपये रोज, 2000 रुपये भाड़ा रोज, लाखों करोड़ रुपए के इनके सभी ऐसी गड्ढे, कोई धार्मिकता नहीं है। और जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जाता है ना उसके मुंह में बवासीर नहीं होता, उसको न किसी से लेना दे रहता रहा, कोई देना रहता है, अपनी लंगूटी पहने भगवान का भजन करते। ये धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं और ये बड़े बड़े जो व्यापारी है अपने आईआईसी के अड्डे बना के इन लोगों के आश्रमों में जाते हैं, अपना समय व्यतीत करते और कुछ नहीं, भोली भाली जनता इनके पीछे आ जाती है। शादी कब होंगी, ये कहाँ लिखा है सर, बालकोट में RDF कहाँ सा, ये बताओ ना तुम, चाइना कितना घुस गया देश में ये बताओ तुम, कौन चुन के आएंगे ये बताओ। जब तुम्हारे में तो आपका चमत्कार करने की क्षमता है, चमत्कार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता भगवान के अलावा, तो मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन सभी धर्मीय लोगों से, इन लोगों के भावना में न जाए, अपना भजन करो, अपने पास में जो है आनंद से रहो। इनके भाषा का कोई प्रयोग नहीं है, इनको पैसा दिया जाता है, जितना लिख के दिया जाता है उतना ही बोल देते लोग। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से लोगों के अंदर में रोष है, किस तरीके से लोग सड़कों पर उतर आए हैं, क्यों, तो सिर्फ
जो बड़े बड़े नेता जो कि उल जुलूल बयान देते रहते हैं, उल जुलूल राजनीति को प्रमोट करते रहते हैं, उनके खिलाफ़ ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं वैरायटी स्क्वायर गांधी प्रतिमा के सामने। कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र TV24। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन देण्याचा निर्णय घेतलाय। दर महिन्याला 10,000 रुपये इतकी पेन्शन निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला मिळणार आहे। यामुळे 507 कर्मचाऱ्यांना लाभ प्राप्त होणार आहे। या योजनेसाठी लागणारी सर्व गुंतवणूक राज्य सहकारी बँक करणार आहे। या योजनेकरता बँकांचे कर्मचाऱ्यांकडून कोणतेही योगदान घेण्यात येणार नाही।